हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है गाइस। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपने गार्डन का एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगी। आई होप कि आप सभी लोगों का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये कुछ मेरे घर के पीछे में लगाए हुए फूल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये छोटे से येलो कलर के और ये जो वाइट कलर का है गाइस, मुझे लगा था कि इस बार ख़त्म हो गया है, लेकिन थैंक गॉड दो प्लांट्स अभी भी बाकी है। सो बहुत दिनों से ये सारे जो भी क्रिजेंथेमम के फूल हैं खिले हुए हैं और अभी इनका मुरझाने का वक्त आ गया है। सो बहुत सारे जो फूल हैं वो मुरझाना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ये जो वाइट कलर का है गाइस, ये अभी अभी खिला है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे रंग बिरंगे गुलदाउदी के फूल मैंने रख दिए हैं। जहाँ पर भी खाली प्लेसेस मुझे मिल जाती है मैं वहाँ पर फूलों से भर देती हूँ। इस बार येलो कलर के गुलदाउदी फूल ज़्यादा है, सो इसीलिए आपको हर जगह पीले रंग के गुलदाउदी फूल देखने को मिलेंगे। ये मखमल वाले फूल और ये लाइट पिंक कलर के बहुत ही ज़्यादा प्यारे से पॉम्पम वाले गुलदाउदी। आगे की तरफ मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक कोलियस का छोटा सा प्लांट भी रखा है मैंने। हालांकि इंडोर प्लांट का अभी सीज़न नहीं है, सारे इंडोर और सीनरी प्लांट्स अभी डोरमेंसी में चले गए हैं। सो आगे की तरफ इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर ये देखिए, छोटे से अभी येलो कलर के फूल खिलने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ये जो सारे पिंक कलर के हैं ये खिल चुके हैं और बहुत सारे फूल तो अभी मतलब कि ख़त्म ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो मैंने कुछ नए पेटूनिया के प्लांट भी खरीदे हैं जिनको मैंने यहाँ पर लगाया है। सो अभी पेटूनिया के फूल खिले नहीं है गाइस, बस इनमें कलियाँ आई हुई है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने लगाया है। सो ढेर सारे क्रिजेंथेमम के फूल खिले हुए थे, अभी ये देखिए अभी भी फूल बहुत सारे हैं, लेकिन कोई कोई जो फूल है वो अभी मुरझा चुके हैं। ये येलो कलर के अभी तक खिले नहीं है, ये बड़े साइज वाले हैं। ये छोटे छोटे से पॉम्पम वाले ये सारे ब्लूम हो चुके हैं और ये देखिए, ये बड़ा वाला अभी अभी खिलना स्टार्ट हो गया है। अभी भी कलियां बाकी है और मखमल के फूल देखिए गाइस, ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला फूल है। क्रिजेंथेमम से भी एकदम लंबा रहता है ये, कब से खिला हुआ है लेकिन अभी तक खिल ही रहा है। यहाँ पर देखिए, ये कितना सुंदर सा दो एजेलिया के फ्लावर खिले हुए हैं। सो अभी फाइनली एजेलिया के फ्लावर का सीज़न आ गया है, बहुत सारे एजेलियाज खिल चुके हैं पहाड़ों में, लेकिन अभी यहाँ पर खिलने स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। सो यहाँ पर भी ये देखिए, सारे फूल ब्लूम हो चुके हैं। थोड़े जब दिनों पहले मैंने दिखाया था तो यहाँ पर ढेर सारी कलियाँ बाकी थी, लेकिन अभी एक भी कलियाँ बाकी नहीं है। जब समर सीज़न था तब यहाँ पर सारे सीनरी प्लांट्स सिर्फ बाकी थे, एक भी फूल नहीं था मेरे गार्डन में, लेकिन जैसे ही विंटर का महीना आ गया मैंने अपने गार्डन में सारे फूल रख दिए हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ मैंने कुछ पिटूनिया के प्लांट और कुछ सदाबहार के प्लांट रख दिए हैं। नीचे की तरफ मैंने ये मैरीगोल्ड की फ्लावर्स रखे थे जो एक बार खिलने के बाद अब नहीं खिलेंगे क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसीलिए मैंने उनकी कमी को पूरा करने के लिए छोटे छोटे से क्रिजेंथेमम जिसको हमने लेट से इनकी कटिंग लगाई थी वो अभी अभी खिलनी स्टार्ट हो गई है। इन सबको हमने यहाँ पर इस तरह से सजाया है। सो ये जो सारे क्रिजेंथेमम है इनको हमने देरी से लगाया था। ये देखिए, डालिया के प्लांट भी खिल रहे हैं और ये पॉइंटसेटिया, ये जरबीरा। सो फूलों की कमी होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, खाली खाली सा, इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे से जो फूल थे मेरे पास इनको मैंने यहाँ पर रख दिया। देखिए अभी कितने ज़्यादा प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर आप घर जैसा भी बनाएं, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, लेकिन अगर आपके घर में प्लांट नहीं है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर की जो शोभा होती है वो हमेशा फूलों से ही बढ़ती है, इसीलिए आप अपने घर में फूल लगाएं और अपने घर में कुछ चेंजेस भी लाए गाइस।
ये देखिए गाइस, यहाँ पर रंग बिरंगे पिटूनिया के फ्लावर्स मैंने रखे हैं जो फूल खिल चुके होते हैं। आप लोगों को इस तरह से पिंच करके फेंक देना है। अगर आपको पिंचिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप सीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हाइब्रिड सदाबहार आप देख रहे हैं, इसको मैंने पिंच करके इस तरह का बोनसाई और बहुत सारे ब्रांच्ड फॉर्म में बनाया है। बहुत ज़्यादा प्यारे फूल होते हैं ये। ये देखिए, ये सीड्स हैं इनके। यहाँ पर भी मैंने इसको पिंच किया है और ये भी देखिए बोनसाई सा एक छोटा सा फॉर्म आ गया है। अगेन यहाँ पे रंग बिरंगे पिटूनियाज हैं। सो पिटूनिया बहुत लंबे समय तक खिलने रहने वाला फूल है। इनमें फूल आते ही रहते हैं। ये हाइब्रिड मैरीगोल्ड की तरह नहीं है कि बस एक बार फूल आते हैं और उसके बाद इनका कोई काम नहीं रहता। ये पूरे विंटर सीजन तक आपको फूल देते रहते हैं। देखिए दूर से कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरा गार्डन। ये तो बस एक भाग है मेरे गार्डन का, और भी आगे बहुत सारे मैंने फूल लगाए हैं। चलिए मैं आपको अपनी छत के ऊपर का व्यू भी दिखाती हूँ। देखिए छत में कितने अच्छे से फूल खिले हुए हैं। और ये जो येलो कलर का है, इतने बड़े बड़े साइज़ के हैं कि बहुत दूर से भी दिखते हैं। यहाँ पर ये हैंगिंग पॉट में पिटूनिया के प्लांट और ये नीचे की तरफ सारे गुलदाउदी। सो यहाँ पर भी मैंने इस तरफ कुछ जेरेनियम के प्लांट्स रखे हैं। ये देखिए गाइस, वाइट कलर के। सो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मुझे इसी तरह ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।